بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة بقدر المؤونة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي أنت تريد وأنا أريد لا يكون إلا ما أريد وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز پردان شین خواتین عزیز و بھائیو इस वक्त में हम लोगों का जुड़ने का मकसद अल्लाह के रास्ते में जाने वाले उन अहबाब की जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से बैरून के लिए कबूल फरमा लिया कि उनकी रुख्सती और उनसे दुआओं की दरख्वास्त और उनके अलविदा के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और दूसरी बात उनकी गैर मौजूदगी में किस तरीक़े से हमारा घर का निज़ाम हो और किस तरीक़े से हम लोग रहें किस तरह हमारे आमाल हों किस तरह हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी हो उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीक़े से मुरत्तब करें उसके लिए भी यहाँ हमारा जुड़ना हुआ। इसलिए कि जाने वाले तो मुहाजिरीन हैं और रहने वालों को अंसार कहा जाएगा। नुसरत के लिए कोई ख़ास शर्त नहीं है, कोई जा रहे हैं उनका काम संभालना भी नुसरत है, कोई जा रहे हैं उनके माल हिफाजत करना भी नुसरत है, कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो उनके तमाम ज़िम्मेदारियों को संभालना भी नुसरत है, कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो उनके जो हुकूक़ की अदायगी थी उस हुकूक़ की अदायगी को हमारे ज़िम्मे लेना भी नुसरत है। गोया नुसरत का शोबा बहुत वसी है। उनके हक़ में दुआ करना भी नुसरत है, उनके हक़ में खैर ख़ाहाना तौर पर मामला करना भी नुसरत है। नुसरत के बहुत सारे शोबे हैं, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने अंसार के लिए जो दुआएं दी हैं, मुहाजिरीन के लिए जो दुआएं दी हैं, वो तीन तरह की दुआएं हदीस पाक में मरवी हैं। एक दुआ जैसे कि मशहूर मकौला है आप अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त सहाबा ने अपना अज़ाइम ज़ाहिर किया, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा,
जब सहाबा ने अर्ज़ किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तीन तरह की दुआएं दी। एक तो ये फरमाया फसलिहिल अंसार वल मुहाजिरा, दूसरी जगह पर ये फरमाया फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा, तीसरी जगह पर ये फरमाया अक्रमिल अंसार वल मुहाजिरा। ये तीन तरह की दुआएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार व मुहाजिरीन को दी। फसलिहिल अंसार, फगफिरिल अंसार, फअक्रमिल अंसार। उलमा फरमाते हैं ये तीनों हकीकत में एक ही दुआ है, अल्लाह जिसकी इस्लाह कर दे, समझो कि अल्लाह ने उसका इकराम किया। अल्लाह जिसका इकराम करता है उसी बंदे की मग़फ़िरत होती है। गोया रिवायत लफ्ज़ी भी है, रिवायत मानवी भी है। अल्लाह ताला उसकी इस्लाह भी करते हैं, फसलिहिल अंसार वल मुहाजिरा, हिजरत करने वालों की भी अल्लाह इस्लाह करते हैं, नुसरत करने वालों की भी अल्लाह इस्लाह करते हैं। इस्लाह ज़ुबान की भी, नज़रों की भी, सोच की भी, फ़िक्रों की भी, जज्बात की भी, ख़यालात की भी, हर चीज़ की इस्लाह होती है। इसीलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला आपको इस बात की तौफीक दे नेकी करने की, तो नेकी करने की तौफीक एक है नॉर्मल हालतों में नेकी करना, और एक है जब भी ज़ुबान कोई गुनाह करने का इरादा करे, नज़र कोई गुनाह करने का इरादा करे, सोच कभी गुनाह करने का इरादा करे, तो ऐसे मौके पर फौरन अपने आप को नेकी में मशगूल कर दिया करो। तो मशगूल करना गोया अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाह का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ताला जिसकी इस्लाह करना चाहते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक देंगे ताकि गुनाहों से बचा लें। तो हम अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद, जाने वाले तो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, जाने के बाद हम लोग जो घर में रहेंगे वो घर में ऐसा रहें, इसलिए उलमा ने अजीब बात फरमाई, जिस तरह गश्त में जाने वाले और ज़िक्र में बैठने वालों का ताल्लुक़ होता है, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जाने वाले और घर में रहने वालों का ताल्लुक़ होना चाहिए। कैसे? जैसे गश्त में कोई जमात जाती है तो गश्त में जाने वालों की ज़ुबान पर रूहानियत, उनकी मदद और नुसरत और अल्लाह के तरफ़ से गैबी ताईद उनके साथ उस वक्त होगी जिस वक्त में ज़िक्र करने वाले, दुआ करने वाले अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हों। जब वो मुतवज्जे होंगे तब जाकर अल्लाह ताला उस गश्त करने वालों की गश्त में हिदायत, फ़िक्र और फिर हरकत नसीब फरमाते हैं। अगर गश्त वाले गश्त में चले जाएं, मस्जिद में बैठने वाले गाफिल रहें, ज़िक्र और दुआ में जैसे मशगूल होना चाहिए मशगूल ना हो, तो फिर गश्त करने वालों का गश्त बेसूद होता है। बाज़ मरतबा गश्तों में फितना शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है और मुगालता शुरू हो जाता है और बेचैनी बेकरारी का माहौल पैदा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है। अगर ज़िक्र और दुआ वाले मशगूल रहें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, तो गश्त में जाने वालों के गश्त में अल्लाह ताला रूहानियत पैदा करते हैं। यहाँ तक के गश्त में जाने वाले अगर मुखालिफ इलाके में भी चले जाएं, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ शामिल हाल रहती है। इसी तरह हमारे जो जमात में जा रहे हैं, हमारे बड़े जब जमात में जाएं, उनके जमात में अल्लाह ताला सेहत, सलामत, आफ़ियत, हिदायत, राहत, सुकून उस वक्त देगा जिस तरह गश्त में जाने वाले के लिए ज़ाकिरीन के ज़िक्र का और दुआ करने वालों की दुआ का असर मुरतब होता है, हमारे यहाँ नमाज की पाबंदी का वहाँ असर मुरतब होगा, क़ुरान की तिलावत का असर मुरतब होगा, हमारी अमानतदारी का असर मुरतब होगा, हमारे अच्छे अखलाक का असर मुरतब होगा,
हमारे घर के अंदर की तालीम का असर मुरतब होगा और हमारे घर के अंदर आने वाले ख़वातीन के लिए जो कुछ हम लोग तालीम का निज़ाम बनाएंगे, इस्तकबाल का निज़ाम बनाएंगे, मुज़ाकरे का निज़ाम बनाएंगे, खिदमत का निज़ाम बनाएंगे, उसका असर अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के काम में असर मुरतब करेगा। अंसार ये मुहाजिरीन की हिजरत में रूहानियत पैदा करने वाले होते हैं, मुहाजिरीन की हिजरत में बरकत पैदा करने वाले होते हैं, मुहाजिरीन की हिजरत में हरकत पैदा करने वाले होते हैं, मुहाजिरीन की हिजरत में और हर तरह के फुतुहात वाले होते हैं। इसलिए कहा गया नुसरत वालों को गाफिल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक अजीब बात, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनतों में उनके ख़वातीन की नुसरत शामिल हाल रही, अल्लाह ताला उन अंबिया की मेहनत को देर पा रखा, असर अंदाज रखा और अल्लाह ताला ने बहुत दूर और देर तक उनकी नबूवत की तालीम का सिलसिला जारी व सारी रखा। तो ये तो तारीख़ इस बात पर शाहिद हैं, अंबिया तो अपनी जगह पर मेहनत करते हैं लेकिन उसके असरात भी अल्हम्दुलिल्लाह मुरतब होते हैं। उसके देर पा होने और उसके महदूद होने में अल्लाह की तरफ से अजीब व गरीब फैसला होता है। तो इसके लिए नुसरत, तो हमारे यहाँ रहने वाले मर्द अहबाब भी ख़वातीन भी, तो हम लोग इस बात की पाबंद, सबसे पहले वक्त पर नमाज पढ़ना। वे बड़े नहीं रहे तो जिनको मशवरे से ज़िम्मेदार तय कर दिया जाए वो बड़े रहेंगे और उनके ताबे होकर उनके मशवरे से। कभी कभार हालात गैर बड़ों की गैर मौजूदगी में पेश आते हैं तो उन हालात को कैसे हल करें, बार बार फ़ोन के ज़रिए से भाई जो छोटे मोटे हालात का मशवरा ना करें। बड़ी बड़ी ख़बरें अगर हैं तो ज़रूरत समझे तो दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो उन ख़बरों को भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि एक सुई के साथ, जैसे मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला ये नमाज की तरह है। नमाज में जिस तरीके से बाहर का लुकमा लेने से नमाज टूट जाती है, इसी तरह बाहर की ख़बरें दावत में चलने वालों को ना दिया करें, दावत में चलने वालों को बाहर की ख़बरें ना दिया करें। उनको उनकी ख़बरें काफ़ी हैं, उनके मुतालिक ख़बरें, जैसे कि नमाज के अंदर जमात में शामिल होने वाले नमाज के अंदर वालों का लुक्मा ले सकते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे का खैरख्वाह बनकर उनके दिलासाई का सबब बने, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा बनना कि हम लोग बाहर से लुक्मा दे दिए, जमात में बेकरारी पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई और जमात में दिल नहीं लग रहा है, वही ख्याल वही सोच, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, बस्ती में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, उसी सोच में जमात बेचैन और बेकरार हैं। तो इससे इसका नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान पूरे इलाके को होगा। इतने अहम सफ़र पर इसका असर पड़ेगा और पूरी जमात पर असर पड़ेगा, पूरे मुल्क पर, जो जिस मुल्क में जा रही है जमात उस मुल्क पर असर पड़ेगा और फिर हमारे घराने में भी असर पड़ेगा। इसलिए कदीम निज़ाम जिस तरीके से खतूत का निज़ाम था, इस तरीके से बस हमारा जो निज़ाम होगा वो खतूत वाला निज़ाम की तरह मैसेजेस, बस जो ज़रूरत है वो उसकी इत्तला दें। जितनी बात यहाँ, बल्कि यूँ समझें जितनी बातें पूछी जा रही हैं उतनी बातों का जवाब दें, मज़ीद यहाँ से कोई ख़बर ना दें। इस बात का ख्याल रखें, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई ख़बर देने की ज़रूरत नहीं है। भाई वो भी अल्लाह की तरह मुतवज्जे हैं, आप भी अल्लाह की तरह मुतवज्जे रहें, अंसार भी अल्लाह की तरह मुतवज्जे हैं, मुहाजिरीन भी अल्लाह की तरह मुतवज्जे। तो दोनों बच्चे बीमार हो गए, यहाँ बच्चे बीमार हैं, उन्हें बुखार है, उस हॉस्पिटल में एडमिट करके भाई एडमिट होना, फिर उसके बाद एक दिन के बाद वापस आ जाना, ये तो चलेगा। लेकिन उसकी ख़बर पर पूरा 15 दिन उसकी बेकरारी रहती है, जब तक के उसके बारे में तसल्ली बख्श खबर ना मिल जाए। तो इसलिए ऐसी ख़बरें देना, इसको मना करते हैं हमारे अकाबिर। बस माला यनहल, यहाँ तक के फरमाया कि अगर घर के अंदर कोई भी अहम मशवरा है उसे मुलतवी कर दें, भाई जब सफ़र में गए हुए हैं वापस आने के बाद इस सिलसिले में
आपको इत्तला दी जाएगी कोई भी अहम मशवरा पेश आ जाए, अगर नहीं तो फिर उस मामूली मसले को अपने आप बैठकर जिनको ज़िम्मेदार बनाया गया उन्हीं के दरमियान हल कर दिया करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब जिन जिन के ज़िम्मे जो जो दिए जा रहे हैं तो वो मशवरे से दिए जा रहे हैं, मशवरे से जिनको जो ज़िम्मेदारी दी जाए उसको अमानतदारी के साथ निभाएं, अमानतदारी के साथ। इनको बड़ी ज़िम्मेदारी दिए, मुझे छोटी ज़िम्मेदारी दिए, इस तरीके का सोच हमारे दिमागों में नहीं आना चाहिए। अरे भाई चारों रकातें काबिले क़द्र हैं, ये बात याद रखें, चारों रकातें काबिले क़द्र हैं। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, अरे भाई जिस रकात की ज़िम्मेदारी दी जाए वो रकात की ज़िम्मेदारी निभाओ। तो हम पहली रकात वाले अफजल हैं, दूसरी रकात वाले, ऐसी बात नहीं है। सब सफ़ें मस्जिद की सफ़ें हैं, सब रकातें नमाज की रकातें हैं, अपनी जगह पर तमाम अरकान नमाज काबिल क़द्र हैं। तो इसी तरीके से हमें कुछ ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी, जैसे मुहाजरीन को तालीम की ज़िम्मेदारी दी है, तालीम बड़ी, तालीम बिल्कुल छोटी खिदमत दे दी है, बयान बड़ा, बयान देने वालों को हम लोग अफजल समझ रहे हैं, तालीम देने वालों को मफजूल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी तरीके से नुसरत में, नुसरत वालों में किसी की ज़िम्मेदारी किचन रूम की दी गई, किसी की ज़िम्मेदारी बैरून की दी गई मसलन, तो हम लोग भाई जिनकी ज़िम्मेदारी बड़ी दी गई वो यूँ ना समझें कि हमारा मकाम बढ़ गया, और वो यूँ ना समझें कि हमारा मकाम घट गया। अरे भाई बढ़ गया घट गया ये मकाम के अतबार से नहीं हुआ करता, खिदमत के अतबार से। बकौल हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, भाई आम तौर पर खिदमत वालों से कोई मुसाफा नहीं करता, बयान वाले से लोग मुसाफा करते हैं। फरमाया खिदमत वालों से बार बार अल्लाह का मुसाफा होता है। क्या मतलब इसका? अरे भाई खिदमत से खुदा मिलता है, तो कोई मुसाफा करें या ना करें, चाय बनाने वाले से कोई मुसाफा नहीं करते, चाय बांटने वाले से लोग मुसाफा करते, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बनाने वाले से कौन मुसाफा करता है, बनाने वालों की कौन तारीफ़ करता है? असल तारीफ़ तो चाय बनाने वालों की, असल जो सवाब मिलता है वो किचन रूम में जो लोग नाश्ता बनाते हैं उनको सवाब मिलता है। लेकिन एक अजीब बात, जो अल्लाह ताला ने मस्तूरात की तमाम कुर्बानियों को पर्दे में ही रख दिया, क्यों? इसका अजर अल्लाह ताला इतना देगा इतना देगा इतना देगा जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मस्तूरात की बड़ी बड़ी कुर्बानी होने के बावजूद कुरान पाक में हज़रत आसिया का जिक्र तो फरमाया, दीगर ख़वातीन का जिक्र नहीं है। इसीलिए अकाबिर कहते हैं वे ख़वातीन की इबादतें पर्दे में, रियाजतें पर्दे में, तज़हिया पर्दे में, क़ुरबानी पर्दे में, उसका तारुफ़ और उसकी तारीफ़ नहीं की जाती पब्लिक में। हाँ वफात के बाद, वफात के बाद उसका ज़िक्र करने की इजाज़त है, लेकिन वफात से पहले किसी के ज़िक्र की, बल्कि किसी भी मर्द की भी ज़िक्र नहीं, औरतों की भी ज़िक्र नहीं। तो हम लोग यूँ ना समझें कि भाई हमारे भाई इतनी खिदमत करने के बावजूद हमारी वाह वाही नहीं हो रही है। भाई वाह वाही तो अल्लाह के पास हो गई, वाह वाही जहाँ होना चाहिए वहाँ हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक अल्लाह के फजल व करम से काबिल क़द्र हैं। तो हम लोग इंशाअल्लाह जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी वो ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, बड़े अब उनकी हाज़िरी में जितनी बातों की तरफ वक्तन फवक्तन तवज्जो दिलाया करते थे, इस बात को गौर से सुने और समझे। हमारे बड़े अपनी हाज़िरी में वक्तन फवक्तन जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे, उन बातों को उनके जाने के बाद वही हमारे लिए उनकी मौजूदगी है, वही हमारे लिए उनकी हाज़िरी है, वही हमारे लिए उनकी क़दरदानी है, वही हमारे लिए रहबरी है। वो नहीं है लेकिन उनकी बातें तो हैं। अरे वो सफ़र में है कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर जो नसीहतें करते थे, जो हिदायत देते थे, जो तवज्जोहात दिलाते थे, वो बातें तो हमारे पास मौजूद हैं, उन बातों पर अमल करें। अम्मी नहीं है, ठीक है भाई नहीं है तो उनकी नसीहतें तो हैं, अब्बू नहीं है तो नहीं है तो कोई क्या बात है भाई, उनकी नसीहतें तो हैं, उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। इसके ज़रिए से कमी महसूस नहीं होगी और उनके मौजूदगी में जो बरकात थे, जो मददें थीं, जो नुसरतें थीं, वो भी हमारे साथ शामिल हाल रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि नुसरतों का ताल्लुक़, नुसरतों का ताल्लुक़ शख्सियत से नहीं है,
नुसरतों का ताल्लुक अमल से है, नुसरतों का ताल्लुक अफ़ाल से है, आमाल से है। तो इसलिए हम लोग इस बात का ख्याल रखें। और सबसे आखिरी बात, तो ख़ास तौर पर जाने वाले तो हमारे हक़ में दुआ करेंगे ही, सअतलुब बुअद अद्दार अनकुम लितक़रबू सअस्कुत अयना यद्दुमू अलितजमुदा। शायर कहता है कि भाई मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ इसलिए ताकि मैं तुमसे करीब हो जाऊँ। अब सवाल पैदा हुआ भाई दूर हो रहा करीब होने के लिए कैसे? दूर होने के बाद हर एक याद आते हैं, हर एक याद आते हैं। जो लोग करीब रहते हुए ज़्यादा जिक्र में नहीं थे, फ़िक्र में नहीं थे, तसव्वुर में नहीं थे, ख़्याल में नहीं थे, वो दूर जाने के बाद बहुत ख़्याल में आते हैं, बहुत सोच में आते हैं। उनके हक़ में आंसू भी कभी हाथ उठाते हैं तो आंसू भी बहेंगे। तो शायर कहता है ताकि उनके फिराक पर जो उनके दिल के एतबार से वो करीब होकर बार बार याद आएंगे, उनके हक़ में मैं आंसू बहाऊँगा, वह आंसू सब के सब अल्लाह के दरबार में जमा होंगे उनके अगली ज़िंदगी के तरक्की के लिए, उनकी ज़िंदगी के कामयाबी के लिए, उनके नफ़ा के लिए, उनके हर तरह के नुकसान से बचाव के लिए अल्लाह के पास वो तमाम आंसू जमा होंगे। तो इसलिए तो ये दूर नहीं हो रहे हैं बल्कि करीब हो रहे हैं। तो ये दो माह का मुख्तसर अरसा जो सफ़र हो रहा है, इंशाल्लाह इस सफ़र में हम लोग दुआ देकर दोनों को रवाना करेंगे। अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए, हर तरह की सेहत नसीब फरमाए, हर तरह की हिम्मत नसीब फरमाए। जितनी इस वक्त में तबीयत के अतबार से कमज़ोरियां हैं, अल्लाह ताला अपने फ़दल से, अपने करम से, अपने शाय निशान शिफाए आजिला नसीब फरमाए। और जो अल्लाह के रास्ते के लिए सलाहियतें चाहिए, इस्तेदादें चाहिए, हिम्मतें चाहिए, हौसले चाहिए, और वो सब के सब अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला इनकी इस क़ुरबानी के बदौलत, जैसे अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजिरा और हज़रत सारा के नस्लों को दीन के लिए अल्लाह ने कबूल फरमा कर 62,000 अंबिया अलैहिस्सलाम उनके नस्लों में अल्लाह ने पैदा फरमाया और ता क़ियामत अंबिया के जद्द अमजद बने, इसी तरह हमारा ख़ानदान भी हमारे बड़ों के बा और हमारे सम्मा के क़ुरबानियों की बदौलत अल्लाह ने माशाल्लाह उनके नस्लों में आज भी काम बाकी रखा कि कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के उनके वफ़ात के बाद ख़ानदान से दावत निकल गई, ख़ानदान से। मुझे अच्छी तरह याद है इब्राहिम ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, वो पता नहीं क्या मोहब्बत थी मुझसे, उन्होंने अपने वसीयत नामे में ये लिखा है कि मेरा गुसल हाफिज़ सिद्दीक़ और मुफ्ती निज़ामुद्दीन करेंगे। इब्राहिम ख़ान साहब हमारे कुमारपेट के पुराने बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने आखिरी वक्त में बड़े ही सदमे के साथ दुनिया से गए कि मैं तो पूरी ज़िंदगी दावत के लिए लगाया लेकिन मेरा एक भी बेटा नहीं लगा। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके वफ़ात के बाद, उनके वफ़ात के बाद उनके औलाद को अल्लाह ने तौफीक दी, फिर उनके वफ़ात के बाद वो दावत में आए। तो दुआएं माशाल्लाह कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला कबूल फरमा कर कुर्रतुल आयुन उनके औलाद को अल्लाह बना देता है, जैसे कि हम दुआ करते हैं रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये कुर्रतुल आयुन के मतलब क्या? यानी मेरे जीते जी मेरे बच्चों को सवरता हुआ दिखा दे, मेरे जीते जी मेरे बच्चों को बढ़ता हुआ दिखा दे, काम करता हुआ दिखा दे। तो अल्लाह ताला बाज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह उनके जीते जी बता देता है कि तुम्हारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह इतने गुल खिले हैं तुम्हारे गुलिस्तान में, ये अल्लाह ताला बता देते हैं। बाज़ मरतबा अल्लाह ताला बाद में बताते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन हमारे ख़ानदान के उन दो, जैसे कि हमारे नाना सास नानी सास, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। बहरहाल उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी दुआएँ, ज़िंदगी भर की जो कुछ भी थी उसकी बरकत से दोनों ख़ानदानों को और बहुत सारे हमारे हमसे मुतालिक जितने ख़ानदान हैं उन ख़ानदानों का हम लोग जायज़ा लें, उनके बड़ों की क़ुरबानी का नतीजा माशाल्लाह दिखाई देता है। इसी तरह इन बुज़ुर्गों की भी क़ुरबानियाँ अल्लाह अल्लाह नस्लों में इंशाल्लाह रंग लाएगा। अल्लाह ताला हमारे इस मशवरे से जो कुछ भी ज़िम्मेदारियाँ तय की जाएँ उसे भी अल्लाह कबूल फरमाए, और जो ज़िम्मेदारियाँ जिसके ज़िम्मे तय की जाए
उसे बखूबी और बड़े ही ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह वो मशवरे भी इंशाल्लाह होंगे, मशवरा होने के बाद जो जो ज़िम्मेदारी तकसीम होगी वो ज़िम्मेदारी को इंशाल्लाह निभाने की कोशिश फरमाए अल्लाह ताला। जी मस्तूरात जो हैं पूछकर अपने ज़िम्मेदारी तय करें इंशाल्लाह, पूछकर कोई भी बात तय करें, और जितने यहाँ मर्द हजरात हैं उनके भी ज़िम्मे इंशाल्लाह तय की जाएगी। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سهل لنا سفرنا هذا واتوي عنا بعده اللهم سهل لنا سفرنا هذا واتوي عنا بعده اللهم سهل لنا سفرنا هذا واتوي عنا بعده اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے بڑوں کے سفر کو بے انتہا قبول فرما یا اللہ قدم قدم پر تیرے نصرہ شامل حال فرما یا اللہ صحت نصیب فرما سلامتی نصیب فرما یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما طاقت نصیب فرما ہمت نصیب فرما حوصلہ نصیب فرما صلاحیت نصیب فرما استعداد نصیب فرما یا اللہ جو بھی اس کام کے لیے درکار ہیں وہ تمام صلاحیتیں قوتیں نصیب فرما یا اللہ بڑی کمزوری کے ساتھ بھی تیرے دین کے کام کے عزم کو لے کر جذبات کو لے کر ذمہ داری کو لے کر چل رہے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان تنصر اللہ ینصرکم کا یا اللہ مظہر بنا دے ان تنصر اللہ ینصرکم کا مظہر بنا دے ان تنصر اللہ ینصرکم کا مظہر بنا دے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا یا اللہ اس بات کا نمونہ بنا دے یا اللہ اس قول کا نمونہ بنا دے ان آیات کا نمونہ بنا دے یا اللہ حالات کے ساتھ جو کام میں چلتے ہیں یا اللہ ان کے ذریعے سے نسلوں کے حالات کے حل کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ قبول فرما یا اللہ اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں بھی سفر ہو وہاں وہاں تیری نصرتیں شامل حال فرما قدم قدم پر تیری نصرت شامل حال فرما جہاں پہنچے یا اللہ وہاں پر یا اللہ ہر ایک کے کام کے ساتھ تیری تائید شامل حال فرما یا اللہ تو یا اللہ ہر ایک سے کام لینے پر قدرت رکھتا ہے یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے یا اللہ جہاں جس ملک میں جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صلاحیت نصیب فرما جس ہمت کی ضرورت ہے وہ ہمت نصیب فرما جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات نصیب فرما یا اللہ ان ممالک میں جن آداب کی ضرورت ہے ان آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مزاج کو بھی اس ملک والوں کے مزاج کے مطابق بنا کر یا اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے کون کون کیسے کیسے مزاج والے ہیں یا اللہ ہمارے خواتین کو بھی ہر اعتبار سے توفیق عطا فرما ہمارے مردوں کو بھی ہر اعتبار سے توفیق عطا فرما یا اللہ گھر میں یا اللہ جتنی ذمہ داریاں تقسیم کر کے جا رہے ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما تمام کے تحفظ کے فیصلے فرما یا اللہ تمام کے تحفظ کے فیصلے فرما تمام کے تحفظ کے فیصلے فرما یا اللہ تو سفر کا بھی ساتھی ہے تو جن جن لوگوں کو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں یا اللہ ان سب کا تو والی بن جا تو مددگار بن جا یا اللہ تو ہی ان کا ولی بن جا یا اللہ ان کے مال کا محافظ بن جا ان کے اولاد کا یا اللہ ان کے تمام جتنے بھی ان کے امانتیں ہیں سب کے محافظ بن جا یا اللہ یہ سفر
ये तो हमारा मुख्तसर सफ़र है, हर सफ़र में हमारी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र की तैयारी की तौफीक अता फ़रमा। अल्लाह उस सफ़र का ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमा। हमेशा हमेशा के लिए एक सफ़र होगा, या अल्लाह वो सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। वो सफ़र की आसानी के लिए तमाम असफ़ार किए जाते हैं ताकि वो सफ़र में ख़ातिमा बिल खैर हो, आफ़ियत हो, राहत हो, सुकून हो, तो हमसे राज़ी हो और हम भी तुझसे राज़ी होकर आए। मन हब लिकाई व अहबब लिका हो, मैं अल्लाह उसका एक मजहर बना दे। या अल्लाह अपने फ़जल से, अपने करम से इनकी तमाम दुआओं में हम सब के लिए हिस्सा नसीब फरमा, हमारी तमाम दुआओं में इनके लिए हिस्सा नसीब फरमा। अब तक जितनी दुआएं हो गई या होंगी, या अल्लाह उन तमाम में अपने फ़जल से, अपने करम से, या अल्लाह अपने कबूलियत के शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर। या अल्लाह हर एक के तबर से तरक्की और तहफ़ के फैसले फरमा। या अल्लाह जमात जमात में बुज़ुर्गान दीन भी हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, या अल्लाह सब, या अल्लाह दादा दादी क्योंकि जमात है, या अल्लाह इस मुक़दस जमात को अपने फ़दल से, अपने करम से, या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह हर एक की हिम्मत और हौसले के फैसले फरमा, अपने फ़दल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह जितनी खैर की दुआएं तेरे हबीब ने, औलिया ने, अतकिया ने, असफिया ने इस उम्मत के हक़ में मांगी हैं, या अल्लाह वो सब में हमें हिस्सा नसीब फरमा। जितने शुरूर से पनाह मांगी, या अल्लाह उन सब में, या अल्लाह हम सब से हमें पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह ये जितने भी काम हमारे घरों में चल रहा है, ये सब हमारे बड़ों की क़ुरबानियों का नतीजा है। या अल्लाह ये सब के सब, या अल्लाह उनके हक़ में हिस्सा ले सवाब बना दें। या अल्लाह हम नियत करें या ना करें, या अल्लाह अद्दालु इलल खैर कफाइली ही, या अल्लाह उसका सवाब तो उनको पहुंचता ही रहता है। या अल्लाह उनके अंदर के नेक औसाफ, नेक दिल, नेक ज़ुबान, नेक किरदार, नेक अखलाक, जिसके ज़रिए से आपने उनके नस्लों को कबूल फरमाया, वो हमारे अंदर मुंतकिल फरमा कर हमारे नस्लों को भी कबूल फरमा। या अल्लाह महरूम हिदायत के बाद महरूमियत से हिफाजत फरमा, हिदायत के बाद महरूमियत से हिफाजत फरमा, इबादत के बाद महरूमियत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने फ़दल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबीयुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअअज़ाक मिन्हु नबीयुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तअअन व अलैकल बलाग़ ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده